साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, अरहर, आलू, रागी, अरंडी, धनिया और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरूआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्बूसर मंडी में 200 रुपए बढ़कर 2500 रुपए पर बिकी ज्वार। कानपुर मंडी में 10 रुपए टूटकर 2600 रुपए हुआ भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो शनिवार को ज्वार के भाव में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। जम्बूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में तेजी देखने को मिली, जबकि कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए। हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 18 नवंबर को ज्वार का भाव था 2300 रुपए, तो वहीं 19 नवंबर को इसके भाव में 200 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2500 रुपए, जबकि धोराजी मंडी में 19 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 3130 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ज्वार के सौदे 2650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुक करें तो यहां की कानपुर मंडी में 18 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 2610 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 10 रुपए टूटकर 2600 रुपए हो गया। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। ये तो बात हुई ज्वार की, आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। अरहर के भाव में रहा मिला जुला रुख। अलीगढ़ मंडी में 6,660 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। दाहोद मंडी में 100 रुपए टूटकर 1,500 रुपए हुआ आलू का भाव। लखीमपुर मंडी में 10 रुपए बढ़कर 1,490 रुपए पर हुई खरीद। आइए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और अब अरहर के बाजार का हाल आपको बता दें। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 18 नवंबर को अरहर का भाव था 6,705 रुपए, 19 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,630 रुपए। राज्य की ही जम्बूसर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। 18 नवंबर को यहां अरहर का भाव रहा 5,700 रुपए, 19 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,000 रुपए पर।
उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 18 नवंबर को अरहर का भाव था 6,650 रुपए। वहीं 19 नवंबर को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 6,660 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ, यानी 18 और 19 नवंबर को अरहर का भाव 6,650 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। जी हाँ, तो अरहर की जो आवक है वो इस वक्त सामान्य बनी हुई है। वहीं जो सौदे हैं उसमें एक मिलाजुला रुख देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर आप अरहर की बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में अरहर के कृषि उपज मंडियों में उसके भाव पर पड़ सकता है। बहरहाल, ये तो बात हो गई अरहर की। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सेब के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। पहले रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का। तो यहां सेब का भाव रहा 7,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो यहां सेब के सौदे 5,500 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में सौदे 4,800 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं आलू की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। जी हां, आपको बता दें कि कुछ मंडियों में इस दौरान आलू के भाव में हल्की बढ़त भी देखने को मिली। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एक्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 18 नवंबर को आलू का भाव रहा 1,600 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 100 रुपए टूटकर 1,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 18 नवंबर को आलू का भाव रहा 1,350 रुपए, जो कि 19 नवंबर को 300 रुपए टूटकर 1,050 रुपए हो गया। इसी तरह राजस्थान की बात करें तो यहां की उदयपुर मंडी में 18 नवंबर को आलू की खरीद 1,400 रुपए पर हुई। वहीं 19 नवंबर को इसका भाव 200 रुपए टूटकर 1,200 रुपए हो गया।
उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान 18 नवंबर को आलू का भाव रहा 1480 रुपए। तो यहां पर आलू के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली और 19 नवंबर को 10 रुपए भाव चढ़कर 1490 रुपए पर यहां सौदे हुए। बागवानी फसलों की उपज के मामले में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सिलसिला इस बार भी जारी रहेगा। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 2,80,00,000 हेक्टेयर में बागवानी फसलें बोई गई हैं और इससे 34,23,00,000 टन से भी अधिक पैदावार हो सकती है। अगर इसकी तुलना पिछले साल से करें तो साल 2020-21 में कुल 2,74,00,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर बागवानी फसलें बोई गई थी और उपज रही थी 33,46,00,000 टन। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में 2.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बात आलू की उपज की करें तो आलू की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2020-21 में आलू की उपज 5,61,00,000 टन रही थी, जो कि इस साल 5,33,00,000 टन रहने की उम्मीद है। जी हाँ, तो जो आलू के सौदे हैं उसमें इस वक्त कई जगहों पर नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आपके पास आलू रखा है तो इसके बाजार भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। वहीं जहां हम देख रहे हैं कि बागवानी से जुड़ी तमाम फसलों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो खास तौर पर अगर आलू की बात की जाए तो इसकी पैदावार में कमी का अंदेशा नजर आ रहा है। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है पिछले साल की तुलना में, लेकिन इस बात का असर आने वाले दिनों में इसके भाव पर पड़ सकता है। बहरहाल यहां पर बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि अमरूद के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले रुक करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का, तो आपको बता दें यहां अमरूद का भाव रहा 4,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में अमरूद के जो सौदे हैं वो 1,550 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके भाव रहे 2,250 रुपए और इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो हमने बात की अमरूद के बारे में यहाँ पर, और अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि अनार का क्या हाल रहा। यहाँ देश की अलग अलग मंडियों का रुख करते हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 14,000 रुपए प्रति क्विंटल। तो राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हो गए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहां अनार का भाव रहा 6,150 रुपए और इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 6,520 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि रागी के बाजार का क्या हाल है और किस तरह का जो रुख है वो इस वक्त नजर आ रहा है। कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक इस वक्त सुस्त बनी हुई है। शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके भाव की अगर करें तो एगमार्ट नेट के अनुसार कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में रागी का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में रागी के सौदे 3,750 रुपए पर हुए। रागी की बुआई की अब बात करते हैं। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 14,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई अब तक 25,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 11,000 हेक्टेयर में हुई थी।
जी हाँ, तो मोटे अनाज की खेती के लिए लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की ओर से अहम कदम भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर रागी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो पैदावार है उसमें बीते साल के मुकाबले इजाफा देखने को मिल सकता है और इसका असर आने वाले दिनों में रागी के हाजिर भाव पर भी पड़ेगा। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, आगे जानेंगे अरंडी और धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी की। गुजरात के ज्यादातर मंडियों में सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को अरंडी की आवक देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 6,880 रूपए। यहीं की जंबूसर मंडी में अरंडी की खरीद 6,600 रूपए प्रति क्विंटल पर हुई। वहीं अरंडी की अगर पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार में 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। जी हाँ, तो अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में अरंडी के बाजार भाव पर। इस बीच जो अरंडी के भाव है अलग अलग, ये हमने आपको बता दिया मंडी खबर में। अगर आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो इसके भाव की स्थिति पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लौकी के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए और किस दर पर यहां पर खरीद फरोख्त हुई। गुजरात की सूरत मंडी का अगर पहले रुख करें तो यहां पर लौकी का भाव रहा 1,750 रूपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालनपुर मंडी में इसके सौदे 1,750 रूपए पर ही हुए। इसके अलावा अगर राजस्थान की उदयपुर मंडी का रुख करें तो यहां भाव रहा 900 रूपए और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में लौकी के सौदे हुए 1,100 रूपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो लौकी के हाजिर भाव पर हमने नजर डाल लिया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शिमला मिर्च के भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं, यहाँ शिमला मिर्च का भाव रहा 1,900 रूपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 3,500 रूपए। केरल की अंचल मंडी का रुख करें तो यहां शिमला मिर्च के सौदे 5,600 रूपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,400 रूपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जाना आपने कि अलग अलग मंडियों में शिमला मिर्च के सौदे किस तरह से हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब धनिये का हाल भी जान लेते हैं। जी हाँ, भारतीय मसालों में प्रमुख है धनिया और इसके बाजार की क्या स्थिति चल रही है आपको बताते हैं। सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार की अगर बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित देखने को मिली।
कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिए का भाव रहा 9,250 रुपए। वहीं जेतपुर मंडी जो कि गुजरात की ही अहम मंडी है, यहां धनिए के सौदे हुए 9,180 रुपए पर। धनिए की पैदावार पर आइए अब नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले धनिए की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी इस साल अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिए की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिए की उपज में कमी आ सकती है और 90,000 टन इसकी पैदावार कम होने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, तो धनिए का हाल आपने जान लिया कि किस तरह से जो आवक है वो इस वक्त सीमित देखने को मिल रही है देश के अलग अलग मंडियों में, और कुछ मंडियों के भाव भी हमने आपको बता दे। आने वाले दिनों में धनिए के भाव पर इस बात का असर पड़ेगा कि मांग किस तरह की निकल कर आ रही है। खासतौर पर इसकी पैदावार की अगर स्थिति पर नजर डाले तो बीते साल के मुकाबले इसमें कुछ कमी का अनुमान इस वक्त जताया जा रहा है। जाहिर तौर पर इसका असर जरूर पड़ेगा आने वाले दिनों में इसके भाव पर। आगे बढ़ते हैं और ग्वार का हाल भी आपको बता दे कि में ग्वार की स्थिति इस वक्त किस तरह की चल रही है। ऐसे में आपको बताया कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है और देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर अगर नजर डाले तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 1,08,797 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान ग्वार गम के निर्यात में 47,126 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख स्थान है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित है। वहीं बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की हलवद मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,750 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में ग्वार के सौदे हुए 6,151 रुपए पर। वहीं जयपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,963 रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं और गोभी के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। बीते कारोबारी दिन गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इसके सौदे 600 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में गोभी का भाव रहा 1,950 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जाना अपने गोभी के हाजिर भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किया गया। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिन्सों के बाजार भाव के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।